आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे किसी नंबर को रिवर्स प्रिंट कराते हैं। नंबर को रिवर्स करना सीखेंगे हम इस जावा प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम पैकेज को इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर क्लास, क्योंकि स्कैनर जो है वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। देन क्लास का नाम मैंने रिवर्स नम, क्योंकि रिवर्स नंबर को रिवर्स करा रहे हैं तो रिवर्स नम ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जावा में जो भी क्लास का नाम रहता है वो उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रहता है, तो उसको यहाँ पे यूज़ करना है हमको। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, देन ये हमारा मेन फंक्शन बन गया। देन इंट एन और रिवर्स की वैल्यू मैंने जीरो ले रखी है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, और डी ये थ्री वेरिएबल मैंने बनाया। देन स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये मैंने स्कैनर क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, और SC जो था स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट था, सिस्टम डॉट इन। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर द नंबर, ये मैंने जैसे नंबर एंटर कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln का यूज़ किया। देन n जो कि ऊपर इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैंने बना रखा था, अब हम SC डॉट नेक्स्ट इंट का यूज़ करके n में एक न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करा देंगे। ये एक मेथड है नेक्स्ट इंट, ये क्या करेगा, यूजर जो भी वैल्यू को एंटर कराएगा उसको n में स्टोर करा देगा। देन वाइल लूप का स्टोर करेंगे, वाइल n इज ग्रेटर देन जीरो, यानी n जब तक जीरो से बड़ा रहेगा तो d इक्वल टू n मॉड्यूलो 10, यानी कि n को 10 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको d में हम स्टोर करा देंगे। देन रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस t, यानी अब क्या करेंगे, रिवर्स में रिवर्स की जो वैल्यू थी ऐसे जीरो थी, जीरो इंटू 10 प्लस d, यानी d की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 10 में प्लस करके, मतलब रिवर्स से इंटू करके फिर हम उसको जोड़ देंगे। देन n डिवाइड बाई 10, अब डिवाइड करने के बाद जो भी डिविजर बचेगा यानी भागफल जो भी हमारे पास बचेगा n को डिवाइड करने के बाद उसको हम फिर से n में स्टोर करा देंगे। तो ये हमारा स्ट्रिंग नंबर को रिवर्स करने का लॉजिक लग गया। देन अब हम प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln रिवर्स नंबर इज, कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस का यूज़ किया, प्लस REV, REV में रिवर्स नंबर स्टोर हो जाएगा। तो ये मैंने क्लास का क्लोज कर दिया। तो अब हम क्या देखते हैं कि इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करा के देखते हैं कि सही बना या नहीं बना ये प्रोग्राम। तो इसको हम सबसे पहले कंपाइल कराएंगे, देन एक्सिक्यूट कराएंगे। तो अब यहाँ पर उसने नंबर मांगा मेरे से, तो नंबर जैसे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए इसने इसको रिवर्स कर दिया 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इस टाइप से आप किसी भी नंबर को यहाँ पे रिवर्स करा सकते हैं, कोई भी नंबर आप लेंगे तो उसको रिवर्स करा देगा। जैसे 1 2 3 लेंगे तो 3 2 1 कर देगा, 5 4 6 लेंगे तो 6 4 5 कर देगा, इस टाइप से। और मैं इन प्रोग्रामों के सोर्स कोड भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं अपने चैनल के थ्रू, तो आप कुछ ही दिनों बाद सोर्स कोड को यहां पे डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए आप मेरे फेसबुक चैनल को लाइक करें, www.facebook.com/learnprogramhindi, ये मेरा पेज है। आप मेरे चैनल के थ्रू भी इस पेज को लाइक कर सकते हैं, अबाउट में जाके वहाँ पे फेसबुक का साइन बना हुआ है, उस पे जाके मेरे फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं और इसके सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से और मेरे चैनल के थ्रू भी। थैंक यू।